हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर, कलम से क्रांति। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद, नमस्ते, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे आप लोग, आ जाइए क्लास में। तो भाई आज है आपकी 26 जनवरी। वैसे तो दिन का एंड होते हुए आता है जब हमारी क्लास होती है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से बोल देती हूँ आप सभी को कि 26 जनवरी की देखो क्यों मनाया जाता है। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि देश के आजाद होने के बाद देश को चलाया कैसे जाएगा, नियम होने चाहिए तभी तो चीजें आपकी चल पाएंगी ना। और जो हमारा देश है उसे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, यानी कि अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, अलग अलग तबके के लोग हैं, तो उनमें एक समानता बनी रहे, चाहे ऊंचे पद का हो व्यक्ति या फिर नीचे पद का, उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। इसीलिए कहा भी गया है कि चाहे आपके राष्ट्रपति है चाहे आपका कोई एक चौकीदार है, दोनों बराबर माने जाएंगे, ऐसा कहा तो गया है ही, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, और उसके कुछ पहलू ऐसे थे कि जैसे ही बनके तैयार हुआ था, जैसे ही आपका पारित होता है तो वो लागू भी हो गए थे। कुछ पहलू थे ऐसे जो लागू हुए थे, क्योंकि इलेक्शन होने थे और हम भारत के नागरिक, हमें नागरिकता मिलनी चाहिए, तो नागरिक वाला जो आपका कॉलम है वो अपने आप लागू था। तो इसीलिए 26 नवंबर को तो आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। फिर 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया भाई, आपका लागू किया, यानी कि पूरा जो आपका संविधान जिसे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, उस संविधान को लागू किया गया, पूरे संविधान को भारत में, और हमारा देश क्या बन जाता है, गणतंत्र बन जाता है। गणतंत्र तभी बन पाया जब स्वतंत्र हुआ। तो आज के दिन हमें सभी को याद करना चाहिए, चाहे हमारे वो वीर जवान हो या फिर वो स्वतंत्रता सेनानी हो जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उनको भी एक बार सैल्यूट करते हैं, बिल्कुल तहे दिल से थैंक यू बोलते हैं। और उसके साथ साथ आज के टाइम पर जो हम लोग चैन की सांस ले पाते हैं उन वीर जवानों को भी, है ना। और इसी के साथ 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे कि जय हिंद मैम, तो जय हिंद के साथ सेशन की शुरुआत होनी चाहिए, जय हिंद कर दीजिएगा एक बार, फिर हम जय हिंद के साथ सेशन की शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं, ठीक है। किसान बैच का टाइम टेबल क्या है मैडम जी? अभी तक आपको किसान बैच का टाइम टेबल ही नहीं पता, बस इतना चेंज होगा, सेम टाइम टेबल है आपका। जो मेरी क्लास 1 बजे हो रही थी वो सुबह 8 बजे होगी, और सुबह 8 बजे जो आपकी क्लास चल रही थी वो दूसरे टाइमिंग पे होगी, हो सकता है 1 बजे ही हो, तो वो आपको कंफर्म हो जाएगा कल। तो बस इतना चेंज है, बाकी सारी क्लासेस जैसे चल रही थी वैसे ही चलेंगी आपकी, ठीक है बच्चे। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार। और इसी अवसर पर भाई आप सभी के लिए एग्जामपुर ने दिया है आपको एक बहुत ही अच्छा सा तोहफा, क्या भाई, आपका 45% डिस्काउंट। तो आप सभी इसका जो है जरूर लाभ उठाइएगा, 45% डिस्काउंट आपको मिलेगा। कोड आपको यूज करना होगा भारत 45 कोड अगर आप लोग यूज करेंगे तो आपको मिलेगा इस पे 45% डिस्काउंट, 30 जनवरी तक आपके लिए वैलिड रहेगा। वैसे तो सभी कोर्सेज पे है, अगर आपका कोई छोटा या बड़ा भाई बहन हो जो एग्जामपुर के किसी अन्य चैनल पे कोई क्लास, जैसे मान लीजिए एनडीए की तैयारी कर रहा हो या फिर आपके किसी एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी जो है अगर कोई भी बैच लेते हैं, जैसे एनडीए के लिए अगर आप लोग रैंकर 3.0 से जुड़ते हैं या फिर एयरफोर्स के लिए आप केसरी बैच से जुड़ते हैं, है ना, केसरी बैच से, तो आप सभी बैचेस पे आपको मिलेगा 45% डिस्काउंट। आप लोग कर रहे होंगे हरियाणा सीईटी की तैयारी, तो आप लोगों की तैयारी के लिए आपका बैच कौन सा है बच्चे, किसान बैच, तो किसान बैच में भी आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा आपको बच्चे, आपको मिलेगा 45% डिस्काउंट। तो बिल्कुल इस डिस्काउंट का ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाभ उठाइए, ठीक है। 824 रुपए में आपको क्या मिल जाएगा, बैच मिल जाएगा, तो इससे बेहतरीन कोई गिफ्ट कोई तोहफा हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, इतना दावे के साथ कहते हो तैयारी आपको ऐसे कराई जाएगी कि A1 आपकी तैयारी हो जाएगी उसमें, ठीक है। 45 का मीनिंग क्या है, भारत 45, ठीक है, 45 का मतलब होता है 45, ठीक है, ऐसे यही होता है, और क्या मतलब होता है। तो 45% आपको छूट प्राप्त होगी, डिस्काउंट का मतलब हो सकता है समझ ना आए किसी को, तो छूट आपको मिल जाएगी, ऑफर है आपके लिए, देख लीजिएगा, ठीक है बच्चे। तो और इसके साथ साथ अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट चाहिए, आपको क्विजेस चाहिए और आपको ये सारी चीजें चाहिए, तो आप लोग www.testwale.com पर जा सकते हैं, वहां पर आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। अब एक बार मैं सेशन की शुरुआत करूं, है ना, एक बार मैं सेशन की शुरुआत करूं, उससे पहले आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज देने वाली हूं। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करिए, पोस्टर लगा लूं, है ना, पोस्टर लगा लूं। आप लोग कह रहे थे कि मैम करंट अफेयर की क्लास रेगुलर हो जाए,
है ना, जो आपकी सुबह करंट अफेयर होती है वो रेगुलर हो नहीं पा रही थी, कुछ ऐसे रीजन थे मतलब टाइम टेबल की वजह से। तो आज जो है सारी चीजें आपकी सेटल डाउन हो गई है। तो बच्चे क्या होगा ना आप लोगों के लिए, आप सभी के लिए देख लीजिएगा एक बार, कल से यानी कि कल सुबह 7 बजे से आप सभी के लिए शानदार तरीके से सुबह वाली क्लास एक बार फिर से शुरू होने वाली है। तो डेली अपनी क्लास होगी, ठीक है, ये क्लास आपकी रोज चला करेगी, हरियाणा सीईटी डेली करंट अफेयर्स, हरियाणा का भी नेशनल भी पूरा करंट अफेयर आपको कराया जाएगा। तो आप लोग जरूर आइएगा, एक नजर सब कवर टाइप आपकी क्लास होगी, ठीक है, और इसमें हम लोग हरियाणा का एक एक जिला लेकर भी इसका रिविजन कर लिया करेंगे करंट अफेयर का, ठीक है। तो सुबह 7 बजे आपकी क्लास होगी, जरूर जरूर आना, 27 जनवरी आपको लिखा, तो कल से आपका सेशन जो है एक बार फिर से शुरू होने वाला है। तो सभी बच्चे इस सेशन में जरूर आएंगे सुबह 7 बजे। अब हम करते हैं आज की क्लास का शानदार शुभारंभ, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई आप सभी के लिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। करते हैं सेशन की शुरुआत पहले क्वेश्चन के साथ, देखिएगा क्या पूछा है आपसे, कि रणवीर सिंह हुड्डा कितने सालों तक संविधान सभा के सदस्य रहे थे, बताइएगा। आपको बताना है कि रणवीर सिंह हुड्डा कितने सालों तक विधानसभा के सदस्य रहे थे, उत्तर दीजिए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए यहाँ पर, जल्दी जल्दी से आंसर देंगे आप लोग, कितने सालों तक सदस्य रहे थे फटाफट बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं और समय फिर हमें कम पड़ जाता, क्वेश्चन छूट जाते हैं आपके, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड से आंसर देंगे आप लोग, है ना। और ये आपका मॉक टेस्ट है, ये आपकी तैयारी की एक टेस्ट है कि आपकी कितनी तैयारी है, एक्चुअली आपको कितना आता है। तो जल्दी जल्दी से एक बार कर दीजिए शेयर और आंसर दीजिए फटाफट, क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। तो कौन थे भी आपके, रणवीर सिंह हुड्डा आप सभी जानते हैं, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा के नाम से जाना जाता है इन्हें। और अगर हम बात करें इनका टाइम पीरियड, 1914 में जन्मे थे और 2009 तक आप मतलब इनका जो है मृत्यु हुई थी 2009 में, याद रखिएगा। कहाँ से संबंध रखते हैं, तो 1914 में आप जानते कि देश आपका आजाद नहीं था, प्रांतीय आपके क्षेत्र हुआ करते थे, तो इनका जो जन्म हुआ रोहतक में हुआ था उस समय के रोहतक में, ठीक है, याद रखेंगे। आपसे पूछा बताइएगा कितने बार, तो यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग कि 3 साल तक, कितने साल तक, 3 साल तक आपके जो है संविधान सभा के सदस्य रहे थे, कितने साल तक भाई, 3 साल तक, ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप लोग, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखेंगे आप लोग। किस पार्टी के थे, तो ये आपके जो है कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे, याद रखिएगा, किससे भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंध रखते थे, याद रखेंगे आप लोग। आगे चले, अब आगे चले अगले क्वेश्चन पर, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। पूछा है आपसे कि जीतगिरी का मंदिर कहां पर है, उत्तर दीजिए, काकदौड़ जींद में है या फिर नरवाड़ा जींद में है, उचाणा जींद में है या फिर आपका छातर जींद में है, बताएंगे आप लोग। जीतगिरी मंदिर जो है आपका बच्चे कहां पर है, उत्तर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर देंगे आप लोग, जीतगिरी मंदिर। अब देख पा रहे हैं यहां पर हर ऑप्शन में जींद जिला आया है, तो हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, जींद के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम बात करते हैं जींद की, जींद को क्या कहा जाता है आपका, जींद को कहा जाता है आपका दूध नगरी, ठीक है भाई, क्या कहा जाता है आपका, जींद को कहा जाता है आपका यहाँ पर दूध नगरी भी कहा जाता है, लिख लीजिएगा आप लोग। जींद को कहा जाता है आपके हरियाणा का दिल, क्या कहा जाता है बच्चे, हरियाणा का दिल भी कहा जाता है जींद को, एक काम करेंगे लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। जयंती देवी संग्रहालय अगर आपसे पेपर में पूछे कहाँ पर है, तो लिख लीजिए आप लोग, जयंती देवी संग्रहालय भी आपका कहाँ पर आ जाएगा, जींद में आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा, जयंती देवी संग्रहालय। जयंती देवी नगर के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है आपका, तो जींद है आपका, याद रखेंगे। और यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर आपका काकदौड़ जींद आंसर आएगा, ए आंसर आएगा, लिख लीजिएगा क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पर, तो लिखेंगे आप लोग काकदौड़ जींद जो होगा बच्चे आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर आएगा, लिख लीजिएगा, ए क्या आएगा बच्चे आपका यहाँ पर सही आंसर आएगा, लिखेंगे आप लोग, ठीक है भाई, ए क्या आ जाएगा सही। अगर आपसे हम जींद की बात करते हैं, तो एक और आपका मंदिर आता है जिसे आप कहते हैं भूतेश्वर मंदिर, कहाँ पर है, पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि बताइएगा प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर हरियाणा के किस जिले में है, तो भूतेश्वर मंदिर आपका जींद जिले में है, किस जिले में है बच्चे आपका, जींद जिले में है, याद रखेंगे आप लोग, क्लियर है आपको, बताइए किस जिले में है आपके, जींद जिले में है, लिख लीजिएगा, ए आंसर आएगा, सबका गलत है, सबका गलत है, सारे अपने अपने घर बैठो आराम से, रेस्ट करो तुम आराम से,
है ना, तदकाते नासिरी, ये जो ग्रंथ है आपका ये किसने लिखा है, उत्तर दीजिएगा। बताएंगे बच्चे हमारे कि तदकाते नासिरी नामक ग्रंथ को किसने लिखा है, उत्तर दीजिएगा। तो सभी आंसर देंगे तदकाते नासिरी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, उत्तर दीजिए। सेशन को कर दीजिए शेयर बढ़िया से। बाबर ने, चाणक्य ने, हुमायूं ने, बिहाज पर सराज ने, तो बताएंगे आप लोग। एक इतिहासकार था आपका, कौन था भाई इतिहासकार, जिसका क्या नाम था बच्चे, मिहाज पस सराज, जिसका नाम था, उसने जो है आपके तदकाते नासिरी नामक ग्रंथ लिखा था, ठीक है भाई। और उस ग्रंथ में एक घटना लिखी हुई है, यानी कि एक कथ, एक तथ्य, एक आपका जो कथन जो है आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि नसीरुद्दीन महमूद जो था आपका, कौन भाई, नसीरुद्दीन महमूद ने पिंजौर का जो सिरमौर है, सिरमौर के शासक से वहां का जो है छीन कर शासन क्या किया था भाई, मंदिर और जहां वहां पर जो आपके तालाब थे, जलकुंड थे, उन पर भारी क्या किया था, तबाही मचाई थी, आक्रमण किया था। तो पिंजौर पर किसने आक्रमण किया था, नसीरुद्दीन, याद रखेंगे आप लोग, महमूद ने। इसके बारे में कहां पर लिखा गया है, मिहाज पसराज ने लिखा है तदकाते नासिरी में, किसमें लिखा है बच्चे, तदकाते नासिरी में लिखा है, याद रखेगा। तो पिंजौर पर आक्रमण की जानकारी आपको कहां से मिलेगी, याद रखेंगे आप लोग, मिहाज पस के ग्रंथ से मिलेगी। किसके ग्रंथ से मिलेगी बच्चे, मिहाज पस के ग्रंथ से, याद रखेंगे आप लोग। बाद में पिंजौर पर तैमूर लंग हो गया, औरंगजेब, ये आपका चंगेज खान हो गया, इन्होंने भी आपके आक्रमण किए हैं, याद रखेगा, ठीक है बच्चे। हरियाणा के किस जिले में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है, उत्तर दीजिएगा। आंसर देंगे आप लोग, क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा भाई, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, कहाँ पर जो है आपका ये इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है। एक तो सबसे पहली बात है, आप लोग बिना बोले सेशन को शेयर कर दीजिए, क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट और शानदार तरह के क्वेश्चन है आपके, अच्छे अच्छे, ठीक है बच्चे। तो आंसर देंगे आप लोग, क्या आंसर आ जाएगा, एक बार सभी बच्चे मिलके सेशन को शेयर कर देंगे, बढ़िया से कर दीजिएगा, क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे आंसर दीजिए। तो बच्चे कह रहे कि मैम गुरुग्राम आंसर आएगा, ठीक है, ओनली हरियाणा जीके का बैच बेटा अभी आपका अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके लिए बेस्ट बैच है आपका, कौन सा भाई, बेस्ट बैच है आपका किसान बैच, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आपको लगे, जो भी आपको लगे कि आपका वीक पोर्शन है, वो आप देख सकते हैं। तो शानदार तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका गुरुग्राम, लिख लेंगे आप लोग, क्या आंसर आएगा आपका, गुरुग्राम जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चे। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, लगभग 3.23 करोड़ रुपए, कितने भाई आपके 3.23 करोड़ रुपए की लागत के साथ गुरुग्राम जिले में जो है आपका ये इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप जो है आपका, इसका उद्घाटन किया गया है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है बच्चे, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपको, आपका किस हरियाणवी को सर्वोच्च सैन्य परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है, बताएंगे आप लोग किसे जो है आपका यहाँ पर सम्मानित किया गया है, उत्तर दीजिएगा। आंसर देंगे आप लोग, कौन है आपके, तो याद रखिएगा एयर मार्शल है आपके, कौन है बच्चे, एयर मार्शल। आंसर देंगे आप लोग इनमें से, आंसर क्या है, एयर मार्शल देवेंद्र घायल, एयर मार्शल मुसील गोदारा, विनोद कुमार जी, या फिर आपके सुरेंद्र कुमार घोटिया जी, घाटिया नहीं घोटिया आएगा यहाँ पर, सुरेंद्र कुमार घोटिया जी, उत्तर दीजिएगा बच्चे, क्या आएगा आपका यहाँ पर सही उत्तर। तो याद रखिएगा एयर मार्शल सुरेंद्र कुमार घोटिया, घोटिया जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। भारतीय वायुसेना में उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें क्या दिया गया था बच्चे, परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था, याद रखेंगे आप लोग। अगर हम बात करें विशिष्ट सेवाओं में सर्वोच्च पुरस्कार की, तो ये आपका जो है भारतीय सेना का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये कहां से संबंध रखते हैं, तो हिसार जिले से संबंध रखते हैं, लिख लीजिएगा। किस जिले के हैं बच्चे आपके, हिसार जिले से संबंध रखते हैं सुरेंद्र कुमार घोटिया जी। तो अगर आपसे पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि एयर मार्शल सुरेंद्र कुमार घोटिया का संबंध किस जिले से है, तो इस्पात नगरी हिसार से है, कहां से संबंध है, इस्पात नगरी हिसार से है, लिखिएगा। 100 से कम नगर निकायों वाले प्रदेशों में हरियाणा कौन सा सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है, उत्तर दीजिए, ठीक है बच्चे। आंसर देंगे आप लोग, ये मैंने आपको सुबह की 7 बजे वाली क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, सभी बच्चों का यहाँ पर आंसर आना चाहिए कि 100 से कम जो आपके यहाँ पर निकाय
निकायों वाले प्रदेशों में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है, उत्तर दीजिएगा फटाफट से आंसर देंगे सभी बच्चे। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चे आपका यहाँ पर, दूसरा स्थान। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है आपका, दूसरा स्थान जो है इनको मिला है, लिख लीजिएगा कौन सा स्थान मिला है, दूसरा स्थान लिखेंगे आप लोग। ठीक है बच्चे, अगर आपसे पूछे कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य था तो लिख लीजिएगा पहले स्थान पर रहा आपका झारखंड, और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है आपका, हरियाणा राज्य आया। पहले पे कौन सा रहा आपका, झारखंड, और दूसरे पे आता है आपका हरियाणा राज्य, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बच्चे आपका, झारखंड आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। बताइएगा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गुड़गांव को कौन सी रैंक मिली है, आपको बताना है कि जो आपका जिला गुरुग्राम है उसको कौन सी रैंक मिली है, उत्तर दीजिए जल्दी से आंसर देंगे, और सभी बच्चे मिलके सेशन को शेयर कर देंगे, सभी शेयर करेंगे, दोनों क्वेश्चन मिलेंगे आपको, करंट अफेयर भी मिलेगा आपको, हरियाणा जीके भी मिलेगी अच्छे लेवल वाली। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर आपका, 25वां स्थान जो है आपको मिला है, लिख लीजिएगा कौन सा स्थान प्राप्त हुआ 25वां। अगर आपसे पूछे कि जो आपके टॉप 100 जिलों में हरियाणा के कौन कौन से जिले शामिल हुए थे, तो याद रखिएगा टॉप 100 जिलों में हरियाणा राज्य से दो आपके जिले शामिल हुए थे, एक आपका गुरुग्राम रहा जिसको 25वां स्थान मिला, और एक था आपका रोहतक, और रोहतक को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था आपका, तो लिख लीजिएगा 91वीं रैंक, 91st जो रैंक आई आपकी, 91वीं रैंक जो आई बच्चे आपकी कहाँ की आई है, रोहतक जिले की आई है, लिखेंगे आप लोग किस जिले की बच्चे, रोहतक जिले की, तो लिख लीजिएगा यहाँ पर 91st रैंक रही। चौथा यक्ष कौन सा है, अच्छे से याद होगा जिस बच्चे ने किसान बैच में क्लास ली थी, और अगर उसने रिविजन भी किया है, पढ़ा है, तो अच्छे से वो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई यक्ष है आपके, अलग अलग यक्ष बताए थे, कौन कौन से यक्ष, चार यक्ष बताए होंगे, वही से पूछा गया है कि चौथा यक्ष कौन सा है, उत्तर दीजिएगा कपिल यक्ष है आपका, बहर यक्ष, तरंतुक यक्ष, व्यूह, अरुंतक। तो याद रखिएगा तरंतुक यक्ष जो है आपका वो आपका चौथा यक्ष होता है, कौन सा भी, तरंतुक यक्ष जो है आपका चौथा यक्ष है बच्चे, लिख लेंगे आप लोग। बताइएगा हिसार की राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किसके द्वारा निर्मित की गई है, बताएंगे आप लोग हिसार में जो आपकी राजीव गांधी तापीय जो आपकी परियोजना है उसको किसने विकसित किया है, ये आपसे पूछा गया है, आंसर देंगे आप लोग, सभी का आंसर आए उत्तरी हरियाणा बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड, दक्षिणी हरियाणा बिजली प्रसारण निगम, हरियाणा विद्युत वितरण निगम, या फिर आपका रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड। बताइएगा बच्चे क्या आएगा आपका यहाँ पर सही उत्तर, सभी बच्चे आंसर देंगे। सभी का आंसर आना चाहिए, सी कह रहे बच्चे कि सी आंसर आएगा, सी आएगा, सी आएगा, सी आएगा, एक बच्चे का डी आया, और जिसने डी आंसर दिया उसी का क्वेश्चन सही है यहाँ पर, सबका गलत है, तुम सारे डब्बा गोल बच्चे हो। यहाँ पे आंसर आएगा आपका रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड, क्या आंसर आएगा बच्चे, रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। अगर आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ोगे, अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे अच्छे तरीके से, अगर एक पैटर्न से आप पढ़ाई नहीं करोगे, तो यही हालत होने वाली जो अभी यहाँ पर हो रही है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत उत्तर करके आओगे पेपर में, और आंसर की में बोलोगे कि मैम ऑब्जेक्शन लगाना है, आंसर की में गलत दिया है, वो तुम्हारा ही गलत होता है, आंसर की में सही होता है। ठीक है, यहाँ पे डी आंसर आएगा, यहाँ पे डी आंसर आएगा, इसीलिए कह रही हूँ 45% डिस्काउंट है, वो कोड यूज कर लीजिएगा भारत 45। थ्योरी पढ़नी जरूरी है, आप लोग जुड़ जाइए किसान बैच के साथ, किसान बैच के साथ जुड़ जाइए, ये प्रमोशन नहीं है, ये आपकी जरूरत है। ठीक है, समझे, ये आपकी जरूरत है, तुक्के मारने से कुछ नहीं होगा, तुक्के मारने से तुक्के ही मर जाएंगे तुम्हारे। बताइएगा हरियाणा के किस जिले में 7 इंडस्ट्रियल स्टेट है, बताएंगे आप लोग, जल्दी आंसर दीजिए, 100 से ज्यादा क्वेश्चन है आपको सारे कराने हैं, तो क्वेश्चन के आंसर जो है आपके थोड़ी स्पीड से आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछेगा कि 7 इंडस्ट्रियल स्टेट आपके किस जिले में आते हैं, तो बच्चे ये आपके गुरुग्राम में आते हैं, कहाँ पर है आपके गुरुग्राम में जो आपके हैं 7 है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है भाई, कितने हैं आपके 7 है, लिख लीजिएगा, बढ़िया तरीके से नोट करेंगे आप लोग। ये बताइएगा उद्योग विहार किसे कहा जाता है, उद्योग नगरी किसे कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, पूछा जाता है आपसे कि उद्योग विहार किसे कहते हैं, उद्योग नगरी किसे कहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, आंसर देंगे आप लोग। यहाँ पे बताइएगा हरियाणा में रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन किसने किया,
जो आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम है इसका उद्घाटन किसने किया था, उत्तर दीजिएगा। एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा कि कितना रेवेन्यू जो है आपका डिजिटली कर दिया गया है, यानी कि कितने करोड़ रेवेन्यू का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो याद रखिएगा 18.5 करोड़ 18.5 करोड़ का जो रेवेन्यू है आपका वो डिजिटलाइज्ड हो चुका है आपका ऑलरेडी। ठीक है भाई, आप एक सिंगल क्लिक से पता लगा सकते हो कि कहां पर आपका पैसा जो है किस प्रकार से गया है। जनता को आसानी से सारी जानकारी आपकी मिल जाएगी। तो ये जो आपका उद्घाटन किया किसने किया है, आपके मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, मनोहर लाल खट्टर है। इसे क्या कहा जाता है, मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिख लेंगे आप लोग, इसे कहा जाता है आपका मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम। 22 के 22 जिलों में इसका उद्घाटन किया जाएगा और जो यहाँ पर यानी कि 22 के 22 जिलों में आपके बनेंगे, आपके याद रखिएगा। और ये जो है आपके मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगर आपसे पूछ ले, बताइएगा सबसे पहला हरियाणा में सबसे पहला मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम किस जिले में मिला था, यानी कि इसका एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया था कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है कितना कामयाब होगा, जिसे आप कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी बच्चे 24 जून 2017 में की गई थी, किस जिले से, कैथल जिले में। तो सबसे पहले जो आपका बनाया गया था कहां पर भाई, कैथल जिले में जो है इसे शुरू किया गया था, याद रखिएगा। किस जिले में बच्चे, आपके कैथल जिले में। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, आप ये भी बताएंगे कि कहां पर हुई थी, कब हुई थी, कहां पर हुई थी, उत्तर दीजिएगा। सभी आंसर देंगे और सेशन को शेयर भी कर देंगे, सभी आंसर देंगे और शेयर भी करेंगे भाई, प्लीज शेयर कीजिए सभी बच्चे, प्लीज शेयर कर दीजिए, सभी शेयर करेंगे, सभी बच्चे मिलके कर दीजिएगा। जल्दी से कर देंगे, जल्दी से आंसर दीजिए। तो बच्चे कह रहे हैं 1995, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका 1995 में। किस जिले में, आपके हिसार जिले में, कौन से जिले में भाई, हिसार जिले में, लिख दीजिएगा 1995, जिला हिसार। पूछा है आपसे, बताइएगा लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय सिरसा की स्थापना कब हुई थी, उत्तर दीजिए भाई। उत्तर देंगे आप लोग कि लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपकी क्लास का टाइम 2 आवर्स कर दिया जाए, आपकी क्लास का टाइम 2 घंटे हो जाए? अगर आप लोग सपोर्ट करो तो एक बार पहले सेशन को शेयर करो, फिर इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। तो लिख लेंगे बच्चे 26 अप्रैल 2001 में कब हुई थी बच्चे, आपकी सिरसा में स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 2001 में हुई थी। कब हुई थी आपकी 26 अप्रैल 2001 में, कहां पर, आपके सिरसा में, लिख लीजिएगा कहां पर बच्चे, सिरसा में। पूछा है आपसे हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक, ठीक है भाई, हरको की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। आपसे पूछा गया है कि हरको की स्थापना कब हुई थी, उत्तर दीजिए। तो आंसर देंगे आप लोग, हरको की स्थापना कब हुई थी, नवंबर 1966 में, अगस्त 1966 में, सितंबर 1967 में, दिसंबर 1969 में। बताइए क्या आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। तो बच्चे लिख लीजिएगा नंबर नवंबर 1966 में, नवंबर 1966 में ही आपके हरको की स्थापना हो गई थी, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बॉडी, याद रखेंगे आप लोग। हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर की स्थापना कब हुई थी, उत्तर दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, सभी बच्चे आंसर देंगे क्या होगा आपका यहाँ पर सही उत्तर, बताइएगा भाई क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए। तो सभी का यहाँ पर आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। कहाँ पर है ये, आपके पंचकुला में है। कहाँ पर है, अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ पर है तो क्या आंसर देंगे आप लोग, कि आपके पंचकुला में है। 22 मई 2012 नोट कीजिएगा बच्चे, 22 मई 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी बच्चे, 22 मई 2012 में। ये टाइम है कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने का, ऐसी चीजें पढ़ने का जो आपको याद नहीं होती। इजी इजी चीजें पढ़ने में अच्छी लगती है लेकिन वो पेपर में आपको फायदा नहीं पहुंचाएंगी।
ठीक है, वो पेपर में आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी। तो समझिए आप इस चीज को, हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात कितना है बताइएगा। कल हमने ग्रामीण पढ़ा था तो मैंने आपको कितना बताया था आप बताएंगे, आज आपसे शहरी, कल मैंने ग्रामीण और शहरी दोनों बताए थे आपको, दोनों का बताया था, आप आंसर दीजिए क्या होगा आपका यहाँ पर सही उत्तर। तो बच्चे लिख लीजिएगा कितना आ जाएगा आपका 832, क्या आंसर आएगा यहाँ पर, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 832। कितना है आपका लिंग अनुपात 832 है, नोट करेंगे आप लोग 832 लिख लीजिएगा। पूछा है आपसे कि राष्ट्रपति जी ने किस हरियाणवी को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया है, आपको ये बताना है कि राष्ट्रपति जी ने किस हरियाणवी को मरणोपरांत जो है आपके शौर्य चक्र से सम्मानित किया, उत्तर दीजिए। बताएंगे आप लोग किसे जो है आपके शौर्य चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा आप लोग, अच्छे से याद रखेंगे, रेवाड़ी जिले के गांव के राजगढ़ से संबंध रखते हैं, नाम है इनका हरि सिंह। हरि सिंह जी को उनकी शहादत के लिए शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कि नहीं भाई, हरि सिंह जी को किस जिले से संबंध रखते हैं ये आपके, तो आप सभी जानते हैं वीर भूमि कहा जाता है किसे, रेवाड़ी को, तो रेवाड़ी को कहा जाता है वीर भूमि, तो वीर भूमि के वीर हरि सिंह जी को सम्मानित किया गया शौर्य चक्र से मरणोपरांत, याद रखेंगे आप लोग। अगर पेपर में पूछ ले कि शहीदों का शहर किसे कहा जाता है, तो हरियाणा में शहीदों का शहर कहा जाता है आपके झज्जर जिले को, किसे कहा जाता है, झज्जर को कहा जाता है, याद रखेगा। पूछा है आपसे बताइएगा, हरसैक के द्वारा 11 जिलों में बनाई गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सभी बच्चे आंसर देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपके लिए। बताइएगा आपसे पूछा है कि हरसैक के द्वारा, तो सबसे पहले तो ये हरसैक क्या है आप मुझे ये बता दीजिएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हरसैक, हरसैक की फुल फॉर्म क्या है, हरसैक के द्वारा कितने जिलों में, 11 जिलों में बनाई गई GIS, तो आपसे पूछेगा कि GIS लैब का क्या मतलब है बताइएगा, तो क्या आंसर देंगे आप लोग, उत्तर दीजिएगा क्या आएगा आपका, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये मतलब होता है आपका GIS का। किसने बनाई है ये लैब आपकी, हरसैक ने बनाई है। आपसे ये पूछा गया है कि कहां पर और किसने जो है आपके, तो 11 जिलों में किसने आपका उद्घाटन किया है, तो उद्घाटन किया है आपके मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने। तो आपसे पूछा था कि हरसैक की फुल फॉर्म क्या है, आप बताएंगे कि हरसैक का मीनिंग क्या होता है, उत्तर दीजिएगा सभी आंसर दे, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, मनोहर लाल खट्टर जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर क्या होती है आपकी फुल फॉर्म, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहते हैं इसको, हरसैक को, कहां पर है आपके, हिसार जिले में, हरियाणा स्पेस लिख लीजिएगा एप्लीकेशन सेंटर, किस जिले में, हिसार जिले में, नोट करेंगे आप लोग, ठीक है बच्चे। और एक बार फिर से बता देती हूँ, देखो अभी समय है आपके पास, बहुत ज्यादा समय है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए, भारत 45 कोड का यूज करके जुड़ जाइए आप लोग किसान बैच के साथ। क्यों जुड़ना है आपको, शानदार शानदार थ्योरी, शानदार आपकी तैयारी, बेहतरीन कॉन्टेंट के लिए, ठीक है। हरियाणा में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में कौन से है, आपसे पूछा बढ़ते क्रम में कौन से है, आंसर दीजिएगा, न्यूनतम पूछा है आपसे कम, यानी कि सबसे कम कहाँ पर है, इस प्रकार से आपको आंसर देना है। तो सभी बच्चे यहाँ पर क्या देंगे भाई, आंसर देने की कोशिश करेंगे, सभी के आंसर आए क्या आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। तो देखिएगा बच्चे यहाँ पर पूछा है आपसे, फतेहाबाद मेवात सिरसा, सिरसा फतेहाबाद मेवात, मेवात फतेहाबाद सिरसा, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक बात याद रखिएगा, जब भी आपका पेपर होगा तो 2011 की जनगणना से पक्का आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्यों पूछे जाएंगे आप सभी जानते हैं, 2021 में आपकी फिर से जो है जनगणना होनी है, तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन तो आपके बनते ही है, पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आंसर दीजिए। तो बच्चे कह रहे हैं सी, तो चलो यहाँ पर हम आपकी बात मान लेते हैं, तुम्हारा एक नंबर बढ़वा देते हैं, मेवात फतेहाबाद सिरसा जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सीमा आयोग की संतुति के तहत पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया था, अगर इस क्वेश्चन का गलत आंसर आया आप सभी का, तो अपनी मम्मी को बोलो कि तुम्हारे दो चार लगा दे, जड़ दे अच्छे से, बढ़िया तरीके से, है ना, बढ़िया तरीके से पिटोगे आप लोग। आंसर दीजिए क्या आंसर आएगा यहां पर, सभी बच्चे आंसर देंगे,
जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। अरे न्यूनतम पूछा है आपसे, न्यूनतम पूछा है, तो मेवात में सबसे कम है, फिर आपके फतेहाबाद में उससे ज्यादा, फिर सिरसा में उससे ज्यादा, ऐसे आएगा ना कुछ भी। तो यहाँ पे बच्चे कह रहे कि मैम डी आंसर आ जाएगा, डी इज द राइट। तो बच गए सारे के सारे 18 सितंबर 1966, ये क्या आ जाएगा बच्चे आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। तो नोट करेंगे आप लोग 18 सितंबर 1966 क्या आ जाएगा बच्चे आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। बच गए सारे बच्चे बताइएगा बंसी लाल जी का संबंध हरियाणा में कहां से है, उत्तर दीजिएगा। आपको बताना है कि चौधरी बंसी लाल जी जिन्हें कहा जाता है हरियाणा का विकास पुरुष, अगर आप फवारा सिस्टम की ड्रिप इरिगेशन की बात करेंगे तो किसने शुरुआत की थी, बंसी लाल जी ने। हरियाणा के सभी ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा सबसे पहले किया गया था, बंसी लाल जी की सरकार के द्वारा। और तमिल भाषा को हमारी दूसरी भाषा बनाया गया था किसके द्वारा, तो बंसी लाल जी के द्वारा। और इनका संबंध कहां से है बच्चे, तो लिख लीजिएगा गोलागढ़ भिवानी से संबंध रखते हैं आपके, कहां से भाई, गोलागढ़ भिवानी से संबंध रखते हैं, हरियाणा विकास पार्टी से संबंध था इनका, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं, विकास पुरुष के नाम से। बताइएगा हरियाणा के किस पुलिस स्टेशन को साल 2021 के लिए देश के शीर्ष 3 पुलिस स्टेशन में चुना गया है। तो काफी बार ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, इसीलिए कराया गया क्योंकि इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है भाई। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 100% आपके पेपर में आएगा। तो लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आप लोगों का भट्टू कला पुलिस स्टेशन। क्या आंसर आएगा, भट्टू कला पुलिस स्टेशन आंसर आएगा। आपसे पूछेगा किस जिले में पड़ता है, तो लिख लीजिएगा ये आपके फतेहाबाद में है। कौन से जिले में है बच्चे, ये है आपके जिला फतेहाबाद में, भट्टू कला पुलिस स्टेशन लिख लेंगे आप लोग। कौन सा पुलिस स्टेशन बच्चे, भट्टू कला। बताइएगा साल 2021 में राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया गया। आपसे पूछा है कि जो आपकी तलवारबाजी प्रतियोगिता वो कहां पर आपकी प्रस्तावित थी 2021 में होनी, ये आपसे पूछा है, उत्तर दीजिएगा। आंसर देंगे सभी बच्चे क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर। तो देखिएगा इसके शुभंकर थे श्यामू और मोटो। कौन थे भाई शुभंकर इसके, श्यामू और मोटो। यहाँ पर आपसे राज्य पूछा है, आप सभी मुझे यहाँ पर जिला भी बताएंगे कि किस जिले में आपकी आयोजित हुई थी। आप सभी मुझे जिले का नाम बताएंगे किस जिले में हुई। बच्चे कह रहे दादरी, तुम्हें पहुंचा दूं दादरी एक बार में ही, बताओ पहुंचाऊं दादरी। नालायक, पढ़ते लिखते नहीं हो। जब ग्राम सचिव का पेपर होना था तो सारा का सारा करंट अफेयर आपको कराया था, कराया था कि नहीं कराया था, पूरा करंट अफेयर आप लोगों को कराया था, उसे कहां निकल गए, उसे निकला ही नहीं था क्या, ऐसे ही यहां से सुन के यहां निकाल दिया था, है ना। सोनीपत, सोनीपत इज द राइट आंसर, ठीक है। अन्नू बेनीवाल जी राइट आंसर है आपका, सोनीपत इज द राइट आंसर, है ना। क्लास को शेयर मत करना, पाप लग जाएगा तुम्हें। चलिएगा, चलिए 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 जी, करते हैं शुरुआत सेशन की क्वेश्चन के साथ। तुम बिना मुझे पूरा वो कर देते हो, डिस्टर्ब कर देते हो। पूछा है आपसे कि कौन से किले को रानी की खिड़की भी कहा जाता है। बताइए, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपका कि किस किले को रानी की खिड़की भी कहा जाता है। बताएंगे आप लोग कि इनमें से कौन सा किला रानी की खिड़की भी कहलाता है, उत्तर दीजिएगा। पूछा है आपसे कि रानी की खिड़की कौन सा किला जो है आपका कहलाएगा, आंसर देंगे। तो सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर, किस किले को रानी की खिड़की कहा जाता है, उत्तर दीजिएगा। उत्तर देंगे सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेपर में आता है, बिल्कुल पूछा जाता है, ठीक है। तो बच्चे कह रहे हैं मैम बी आंसर आएगा, कुछ कह रहे ए आंसर आएगा, एक तो आंसर आता ही नहीं है कि एक आंसर आ जाए, अलग अलग आंसर देते हो, बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग आंसर देते हो, यूनिटी चीटिंग भी नहीं करते हैं आप लोग, हैं गलत भैया गलत, अभी भी गलत आंसर आ रहे हैं, काफी सारे बच्चों का गलत है।
बेटा बैच में 75% की छूट दे दी, तुम कह रहे हो डिस्काउंट नहीं मिल रहा, अब क्या चाहते हो और कितना डिस्काउंट दिया जाए? हैं बच्चे, इससे ज्यादा क्या ही डिस्काउंट चाहिए आपको? यहाँ पर आपका गलत आंसर आ रहा है तो मैं बता देती हूँ, कलसिया रियासत का किला। क्या आंसर आएगा आपका? कलसिया रियासत का किला है आपका, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे रानी की खिड़की भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? रानी की खिड़की कहा जाता है, लिख लीजिएगा। क्या कहा जाता है आपका? रानी की खिड़की कहा जाता है, लिख लेंगे आप लोग, बताइएगा। पहलवान अशोक कुमार गर्ग जी को सितारा ए हिंद की उपाधि कब दी गई थी? आंसर देंगे आप लोग कि पहलवान है आपके अशोक कुमार गर्ग, अशोक कुमार गर्ग जी को सितारा ए हिंद की उपाधि कब दी गई थी? उत्तर दीजिएगा फटाफट से। आंसर देंगे आप लोग, कब जो है आपकी सितारा ए हिंद की उपाधि दी गई थी? ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर? 1990 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका? 1990 जो होगा आपका, 1990 जो होगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो याद रखेंगे आप लोग, अशोक कुमार गर्ग, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? सितारा ए हिंद की उपाधि इन्हें प्राप्त है। कौन सी बच्चे? सितारा ए हिंद, तो लिख लीजिएगा सितारा ए हिंद जो होगा आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बुआ का गुंबद कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पेपर में आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है पेपर में, डेफिनेटली आपसे पूछा जाता है। बताइएगा कि बुआ का गुंबद कहाँ पर है? एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी जो है एक बार बढ़िया से सेशन में आग लगा दीजिए, शेयर कर दीजिए शानदार तरीके से, बढ़िया से कर देंगे और बताएंगे बुआ का गुंबद, तो बुआ के पास में क्लास को शेयर किया जाए, बताएंगे आप लोग कहाँ पर है। देखिए पेपर में आपसे पूछ सकता है, बताइएगा बुआ का तालाब कहाँ पर है, तो आप लोग क्या आंसर देंगे? अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बुआ का तालाब कहाँ पर है, तो आप कहाँ पर बताएंगे कि बुआ का तालाब कहाँ पर है? उत्तर दीजिए। अगर आपसे पूछे कि बुआ का गुंबद कहाँ पर है, तो आंसर दीजिए। तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या आंसर आएगा भाई आपका? यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा भाई झज्जर। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे? झज्जर जो होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछे कि बताइएगा बुआ हसन का मकबरा कहाँ पर है, तो भी आपका क्या आंसर आ जाएगा? झज्जर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। क्या आ जाएगा आपका? झज्जर आ जाएगा, लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है भाई, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, एक्चुअली क्या है, ऐसा लग रहा होगा किसी ने अपनी बुआ के याद में बुआ का जो है महल बनवाया, लेकिन याद रखिएगा गुंबद बनवाया। जो बुआ का है यहाँ पर ये एक तरह से एक प्रेम प्रसंग था, तो ये एक प्रेमी, प्रेमी ने नहीं प्रेमिका के लिए, प्रेमिका थी, ठीक है, प्रेमिका ने अपने प्रेमी के लिए बनवाया था। तो इसके पीछे पूरी एक बुआ हसन की क्या आती है आपकी, बुआ हसन की एक प्रेम कहानी है, याद रखेंगे आप लोग। तो ये बुआ हसन की प्रेम कहानी का क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो क्या आंसर आएगा आपका? झज्जर आएगा। क्या आएगा भाई आपका? झज्जर। तो ये प्रेमिका ने अपने प्रेमी के लिए, ठीक है, ना कि प्रेमी ने प्रेमिका के लिए, तो यहाँ पर मायने बदले गए हैं, लिख लीजिएगा। सकंद कार्तिकेय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बताएंगे आप लोग, बताइएगा। सकंद कार्तिकेय जो मंदिर है आपका, इसका निर्माण किसने कराया था, आंसर दीजिएगा। सभी का आंसर आएगा चंद्रगुप्त ने कराया था, बिंबिसार ने कराया था, या फिर कुमारगुप्त ने, या सकंद गुप्त ने, आंसर देंगे आप लोग, बताइएगा क्या आंसर आएगा। तो सभी बच्चे ध्यान से नोट करेंगे भाई, सकंद कार्तिकेय मंदिर का निर्माण कुमारगुप्त ने कराया था। किसने कराया था भाई आपके? कुमारगुप्त ने कराया था, लिख लीजिएगा, सी आंसर आएगा। क्या आएगा भाई आपका? सी आंसर आएगा, लिख लीजिएगा, शेयर कर दो, है फालतू की बातें कितनी करा लो, मैंने तुम्हें एक फैक्ट बताया, फैक्ट भी तुम्हें ऐसे लगता है, मतलब हद ही है, हर चीज मजाक की बात नहीं होती ना, कि हर चीज पे, हर बात पे, हर शब्द पे आप मजाक करोगे, आंसर तो तुमसे दिए नहीं जाते हैं। आज तुम्हारे 100 में से 50 नंबर बना देना तो मैं यही खड़ी हूँ कि हाँ मैडम, झूठ बोलोगे तो अलग बात है, झूठ तो बोलते ही हो तुम, चीटिंग करते हो, चीटर खोर। बताइए यहाँ पे क्या आंसर आएगा। हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपको ये बताना है कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, वो हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, आंसर दीजिए। तो जल्दी से आंसर देंगे, अगर हम टोटल बात करते हैं तो 2021 के लिए टोटल आपके 12 प्लेयर्स को दिया गया था। 12 में से याद रखिएगा हरियाणा के कितने खिलाड़ी हैं आपके, तो बच्चे 12 में से आपके 4 खिलाड़ी थे हरियाणा के। कितने प्लेयर्स थे बच्चे? 4 प्लेयर्स आपके हरियाणा के। तो हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को? 4 खिलाड़ियों को जो है आपका सम्मानित किया गया।
तो क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पर, चार आ जाएगा, लिख लीजिएगा क्या आ जाएगा भैया, चार जो होगा आपका खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, एक एक क्वेश्चन छाट के लाइयो, सेशन को कर दो शेयर। मुझे यहाँ पे ज्यादा से, मैंने कल आपको 1000 का वादा किया था, पूरी क्लास में एक बार जिक्र भी नहीं किया कि आप लोग 1000 बच्चे लेके आओगे, तो आपकी जिम्मेदारी है 500, अब ये 500 मिलकर शेयर करो 1000 हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन छाट के लाती हूँ आपके लिए, है ना, तो अपनी बहन की क्लास को भी शेयर कर दिया करो भाई, कर दो एक बार। और आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे, चार। अब ये चार खिलाड़ी कौन कौन थे आप बताएंगे, बहुत बार आपको पढ़ा चुकी हूँ, बताइएगा। टोपरा के प्रस्तरलाट की स्थापना किसने की थी, आपसे पूछा है, बताइएगा किसने स्थापना की थी। ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर दे देंगे इसका, तो सभी आंसर दे देंगे किसने स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, बाबर ने की थी, शाहजहां ने की थी, महाराजा अशोक ने की थी, बताइएगा। पूछा है आपसे टोपरा के प्रस्तर लाट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आंसर दीजिए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी आंसर देंगे क्या होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर। तो जल्दी से दीजिए आंसर, फटाफट बताइए, फटाफट से बताएंगे क्या आंसर आएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, क्या आंसर आ जाएगा आपका, चंद्रगुप्त मौर्य आंसर आएगा। पता नहीं इतने गधे क्यों हो गए तुम लोग, यहाँ पे टोपरा दिखाने अशोका पे लगाने लग गए। क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पर, लिख लीजिएगा यहाँ पे आपका चंद्रगुप्त मौर्य आंसर आएगा। तुम्हारा दिमाग में कोई कमी वमी आ गई है क्या, ये बताओ क्या आंसर आएगा यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा, गलत उत्तर है। कहीं भी पढ़ लेना, क्या मिलेगा तुम्हें, चंद्रगुप्त मौर्य मिलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या पूछा गया है आपसे, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से, ध्यान नहीं है तुम्हारा क्लास में इसलिए कह रही हूं, क्लास में ध्यान दे लो। भाई वाह 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 वाह, एक आध बच्चा है ऐसा, बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो सही उत्तर देते हैं, लेकिन देते जरूर है, वही बच्चे बिल्कुल अलग बच्चे लगते हैं, वही बच्चे अलग है। वहां पे टोपरा तो पूछा ही नहीं था, ध्यान से पढ़ते क्या पूछा गया, देखेगा। वेयर वॉज द प्रिंसली स्टेट ऑफ राजपूत लूयर मोहर सिंह मंडार इन हरियाणा, आपसे पूछा है कि राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार जो थे आपके, उनका रियासत है, उनकी रियासत हरियाणा में कहां पर थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा है पूरा, जब बाबर के बारे में पढ़ रहे थे यहाँ पर, मोहन सिंह मंडार के बारे में हमने किसान बैच में पढ़ा था। तो आंसर देंगे आप लोग, क्या आंसर आएगा, वैसे तो राइट आंसर है कैथल, क्योंकि कैथल का विद्रोह हुआ था, बहुत ही फेमस विद्रोह था, और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार जी ने किया था, याद रखिएगा। दक्षिण हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के भाग और पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ियों के भाग है, आपको बताना है किस प्रकार के, मतलब किस प्रकार से आपके सही है ये आपको बताना है, किस प्रकार आपके उपयुक्त है, उपयुक्त है आपके लिए, सौर ऊर्जा के लिए, ताप ऊर्जा के लिए, पवन ऊर्जा के लिए, संस्थागत ऊर्जा के लिए। तो बताइएगा कि ये जो स्थान है आपके, किस लिए आपके लिए यूजफुल होंगे। लाइक भी कर दीजिए, 500 बच्चे 300 लाइक, ठीक है, तो सारे जितने कंजूस है बच्चे हैं वो सेशन को लाइक भी कर देंगे, और क्लास आपकी पूरी 9:30 बजे तक चलेगी, क्योंकि अभी आपके 70 क्वेश्चन और रहते, 100 क्वेश्चन पूरे करेंगे क्लास में, ऐसे ऐसे 100 क्वेश्चन है आपके लिए, ऐसे ऐसे 100 क्वेश्चन है आपके लिए, तो बढ़िया से आंसर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है, बढ़िया से आंसर देते रहिए। तो आंसर आपका सबका यहाँ पे गलत है, लिख लीजिएगा, कुछ बच्चे का सही आंसर है, यहाँ पे आपका आंसर आएगा पवन ऊर्जा हेतु, क्या आंसर आएगा आपका, पवन ऊर्जा हेतु, अरावली पहाड़ियों का भाग और पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ी आपके किस लिए उपयुक्त है, आपकी पवन ऊर्जा हेतु। केंद्र सरकार के द्वारा ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए एक अनुसंधान विकास संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है, बताएंगे बच्चे। देखो जब हम बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो आपका यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए बताइएगा, बहादुरगढ़ में, मानेसर में, रोहतक में, या फिर आपके महेंद्रगढ़ में, क्या आ जाएगा आपका सही उत्तर, उत्तर दीजिए। सभी बच्चे आंसर देंगे क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएंगे तो बच्चे लिख लीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा मानेसर, ठीक है, कहां पर स्थापित की गई थी, मानेसर में, लिख लेंगे। मानेसर आपका एक जिला नहीं है लेकिन पुलिस जिला है, और हरियाणा में कितने नगर निगम है आपके वर्तमान में, ये आप बताएंगे कि हरियाणा में वर्तमान में कितने नगर निगम है,
और इनमें आपका सबसे नया वाला नगर निगम कौन सा है, यानी कि सबसे नया ताजा ताजा जो आपका नगर निगम बना है उसका नाम बताइएगा। तो बच्चे कहेंगे मैम बाणेश्वर आपका सबसे नया वाला नगर निगम है, ठीक है, और टोटल कितने हैं ये आप बता दीजिएगा। पूछा है आपसे कि गुड़गांव जिले में FCI प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया, याद रखिएगा बच्चे FCI का मतलब है आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या मतलब है आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका मतलब है अब FCI ने क्या किया है, अपना एक FCI ने अपनी एक लेबोरेटरी स्थापित की है, ठीक है, फूड में जांच के लिए, ठीक है, फूड सैंपल्स की जांच के लिए। तो ये आपकी कहां पर स्थापित की गई है ये भी आपसे पूछेगा, तो याद रखेंगे बच्चे कहां पर स्थापित की है लिख लीजिएगा आप लोग, गुरुग्राम जिले में स्थापित की गई है, पढ़ाया था मैंने आपको सुबह वाली क्लास में। आपसे पूछा किसने इसका उद्घाटन किया, तो अश्विनी कुमार जी ने, किन्होंने किया है आपके अश्विनी कुमार चौबे ने, तो यहाँ पे चौबे जी आएगा लिख लीजिएगा, अश्विनी कुमार चौबे जी ने इसका उद्घाटन किया था, याद रखेंगे सभी बच्चे, किसने बच्चे अश्विनी कुमार चौबे ने गुरुग्राम में। दीन बंधु छोटू राम, देखिएगा दीन बंधु छोटू राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, उत्तर दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग फटाफट से आंसर दीजिएगा क्या होंगे आपके यहाँ पर राइट आंसर। बवाल क्वेश्चन है आपके, बिल्कुल तांडव प्रकार के क्वेश्चन, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए सभी बच्चे क्या आंसर आ जाएगा, और सेशन को प्लीज बेटा थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बोलने पर तो कर ही सकते हो भाई। देखो अगर अभी आप इसे 600 प्लस लेके जाते हो तो डेफिनेटली कल मैं आपकी 2 घंटे क्लास लूंगी, और ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन हम क्लास में पढ़ेंगे शानदार तरीके से, लेकिन शर्त आपके यही है कि मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, पूरा सपोर्ट चाहिए, थोड़ा भी नहीं पूरा चाहिए, ठीक है, हक बनता है आपसे सपोर्ट मांगना। तो प्लीज सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्वालिटी वाले क्वेश्चन है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे ऐसे आप कोशिश कीजिएगा। 1987 में आपकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी भाई आपकी, 1987 में हुई थी, क्या बताना, ये कहां पर आपके मूर्थल सोनीपत में है, कहां पर है आपके मूर्थल सोनीपत में है लिखेंगे आप लोग, कहां पर है बच्चे मूर्थल सोनीपत में है लिख लीजिएगा, कहां पर मूर्थल सोनीपत में, ठीक है, 1987 में आपकी स्थापना हुई थी लिख लेंगे आप लोग, कब हुई थी आपकी 1987 में लिख लीजिएगा, तो 1987 आपका आंसर आएगा। श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर देंगे आप लोग, श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी आंसर दीजिएगा, फटाफट बताएंगे आप लोग क्या आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, उत्तर दीजिएगा क्या आंसर आ जाएगा आपका, 1986 में, 87 में, 88 में, 89 में, बताएंगे आप लोग किस वर्ष में आपकी स्थापना हुई थी, उत्तर दीजिएगा, उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी सभी का आंसर आए तो यहाँ पर भी लिख लेंगे आप लोग, श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना भी कब हुई थी आपकी, 1987 में ही हुई थी, कब हुई थी बच्चे 1987 में ही हुई थी लिख लेंगे आप लोग, 1987 में ही हुई थी लिख लीजिएगा। वो पूछा है आपसे बताइएगा किस आंदोलन के दौरान, मतलब आंदोलन के दौरान किसके बीच का क्षेत्र जन क्रांति के रंग में रंग गया था, पूछा है आपसे, तो याद रखिएगा गंगा सतलुज के बीच का क्षेत्र जो है आपका क्या हुआ था भाई, क्रांति के रंग में रंग गया था। पूछा आपसे सोना कुंड कौन से जिले में है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बहुत ही इजी, तो सोना कुंड आपका पंचकुला आपके गुरुग्राम में है लिख लीजिएगा, कहां पर है बच्चे गुड़गांव जिले में आ जाएगा, नोट करेंगे आप लोग। पूछा है आपसे हरियाणा में हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट कौन से सन में लागू किया गया था, उत्तर दीजिए, आंसर देंगे आप लोग, ये जो आपका एक्ट था बताइएगा कौन से सन में लागू किया गया था, उत्तर देंगे आप लोग, तो याद रखिएगा बच्चे, देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर कर पाते हैं, कितने बच्चे सही आंसर कर पाएंगे देखते हैं यहां पर, 97 में, 99 में, 98 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे कह रहे हैं कि मैम बच्चे कह रहे हैं मैम बिल्कुल 1998 आंसर आएगा, इतने देर में तो तुम चीटिंग करके आ जाओगे, 1998 जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा लिख लीजिएगा, 1998 में आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा लिखेंगे आप लोग।
जो आपका टाड आभूषण होता है ये शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है, उत्तर दीजिएगा। टाड आपसे पूछा है कि टाड कहाँ पर पहना जाता है, बताएंगे आप लोग। तो आपसे पूछा गया है किसके बारे में, टाड आभूषण के बारे में आंसर दीजिएगा। मैं आपको रोज एक या दो आभूषण करा देती हूँ क्लास में, वो इसीलिए कि आभूषण कुछ कैसे है, बहुत ही अलग अलग नाम है आभूषणों के, तो आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, बताएंगे आप लोग। टाड आभूषण आप कहाँ पर धारण करेंगे, तो सभी बच्चे आंसर देंगे टाड आभूषण के बारे में, सभी का आंसर आए क्या होगा आपका यहाँ पर सही उत्तर। टाड पूछा भी आपसे, टाड बाजू पे पहने जाते हैं, बहुत ही सुंदर, तो लिख लीजिएगा आप लोग, ये बाजू में पहना जाता है, कहां पर भाई, बाजू में पहना जाता है जो टाड होता है आपका, कहां पर पहना जाता है, बाजू पर पहना जाता है, तो लिखेंगे आप लोग बाजू में पहने जाने वाला आभूषण क्या कहलाएगा आपका, टाड कहलाएगा, लिख लीजिएगा। क्या कहलाता है बच्चे, टाड कहलाता है, लिख लेंगे आप लोग, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, लिख लीजिएगा। इसमें चांदी से बनी हुई एक पट्टी पर घुंघरू लटके होते हैं, ठीक है भाई, चांदी से, याद रखिएगा। पूछ ले आपसे किससे बनी, चांदी की। सैयद गुलाम हुसैन शाह महमी का जन्म कब हुआ था, उत्तर दीजिएगा, पूछा है आपसे, बताइएगा सैयद गुलाम हुसैन शाह महमी का जन्म कब हुआ था, तो 1707 में, 8 में, 9 में, 10 में, आंसर देंगे आप लोग, कब जो है आपका जन्म हुआ था, उत्तर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। अपने आप से पूछिए आपकी तैयारी कितनी है, कितनी तैयारी है, खुद से पूछो, अपने साथ धोखा नहीं कर सकते आप लोग, अपने साथ धोखा करोगे, ओवर कॉन्फिडेंस में जियोगे तो कुछ नहीं मिलने का जीवन में, कुछ नहीं मिलने का। यहाँ पे आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा, आपस की बातें तुम्हारी खत्म नहीं होती है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1709 ईस्वी में, गलत आंसर है, 1709 ईस्वी में आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा, लिखेगा। बुद्धो माता का मेला कहाँ पर लगता है, तो आप सभी जानते हैं गुड़गांव में लगता है, कहाँ पर लगता है भाई, आपके गुरुग्राम में आपकी बुद्धो माता का मेला लगता है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गुड़गांव में कहाँ पर लगता है, तो याद रखेगा बुद्धो माता का मेला मुबारकपुर गुरुग्राम में लगता है, कहाँ पर लगता है बच्चे, मुबारकपुर गुरुग्राम में लगता है, लिख लेंगे आप लोग, ठीक है भाई, क्या करेंगे, लिखेंगे मुबारकपुर गुरुग्राम में लगता है, लिख लीजिएगा। एक बार प्लीज सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए, है ना बच्चे, लाइक और शेयर कर देंगे सभी, तो एक बार थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, 60-70 बच्चे और दूर 600 प्लस हो जाएगा, तो प्लीज बेटा कर दीजिएगा। परशुराम जयंती आपकी कब मनाई जाती है, पूछा है आपसे कि परशुराम जयंती कब मनाई जाती है, तो याद रखिएगा ये वैसाख की शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका, डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा, डी इज द राइट आंसर। फरीदाबाद में अरावली गोल्फ कोर्स की स्थापना कब की गई थी, आपसे अरावली गोल्फ कोर्स की स्थापना पूछी है बच्चे कि फरीदाबाद में कब की गई थी, उत्तर दीजिए, आंसर देंगे आप लोग कि फरीदाबाद में जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, आंसर दीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है भाई, आंसर दीजिए जल्दी से, तो लिख लेंगे बच्चे 1966 में, कब भाई आपके 1966 में हुई थी, लिख लीजिएगा। पूछा है आपसे पपीहा पर्यटन स्थल, ये जो स्थल है आपका पपीहा पर्यटन स्थल की शुरुआत कब व कहां पर हुई थी, उत्तर दीजिएगा। पपीहा पर्यटन स्थल के बारे में आपसे पूछा, तो लिखेंगे आप लोग 1994 में, कब हुई थी बच्चे 1994 में, फतेहाबाद जिले में, कहां पर आपके फतेहाबाद, 1994 जो होगा आपका बिल्कुल राइट राइट आंसर आ जाएगा, लिख लेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे 1994, बताइएगा। किस मिल को राष्ट्रीय स्तर पर गन्ना विकास में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पहले पुरस्कार के लिए चुना गया है, आपको बताना है कि कौन सी गन्ना मिल को चुना गया है आपके श्रेष्ठ पुरस्कार के लिए, बताएंगे आप लोग, जल्दी से आंसर दीजिएगा, कौन सी चीनी मिल को चुना गया था, तो याद रखेंगे कैथल की चीनी मिल को चुना गया था, तो लिख लीजिएगा
सहकारी चीनी मिल कैथल, क्या आंसर आ जाएगा आपका? सहकारी चीनी मिल कैथल जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। क्या करेंगे बच्चे? सहकारी चीनी मिल कैथल जो होगा आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लेंगे। बताइएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें हरियाणा के गुड़गांव जिले से कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था, उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन तो आपका बहुत ही अच्छा सा है, बताएंगे आप लोग कि आपके रोहतक जिले से, गुड़गांव जिले से कितने सैनिक गए थे। तो याद रखिएगा बच्चे, आपसे सभी जिलों का पूछ सकता है, यानी कि बहुत सारे जिले ना आपके, जैसे कि हिसार से 33,295, अगर आपसे पूछ ले कि हिसार जिले से कितने सैनिक थे आपके, तो लिख लीजिएगा 33,295 सैनिक हिसार जिले से थे। अगर आपसे रोहतक से पूछेगा तो 24,873 जो है आपके रोहतक जिले से थे, याद रखिएगा। अगर आपसे गुरुग्राम पूछेगा तो 22,405 सैनिक थे, कितने थे बच्चे? 22,405 आएगा। अगर आपसे पेपर में पूछे कि अंबाला जिले से कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था, तो 19,170 सैनिक थे आपके अंबाला से, कितने बच्चे? 19,170 सैनिक आपके अंबाला जिले से थे जिन्होंने हिस्सा लिया था, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो लिख लीजिए इन सभी को, ये एग्जाम में आते हैं। अगर आपसे पूछे कि पटौदी से कितने सैनिक थे, तो पटौदी से सबसे कम थे आपके 468, तो लिख लीजिएगा पटौदी से आपके 468 थे। अगर आपसे पूछ ले कि द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था, तो 124,703, यानी कि 124,703 कुल आपके सैनिक थे जिन्होंने हरियाणा से द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था, याद रखेगा, ठीक है बच्चे। पूछे आपसे, बताइएगा इनमें से किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए उत्तम बीज पोर्टल का शुभारंभ किया है, आंसर देंगे आप लोग, क्या आंसर आ जाएगा, लिख लीजिए, लिख लीजिए, बढ़िया से नोट कर लीजिए और बताइए क्या आंसर आ जाएगा आपका, फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। बिल्कुल, तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका हरियाणा, है ना भाई, हरियाणा आंसर है, लिखेंगे आप लोग। हर्ष का चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के साथ कब जो है आपका युद्ध हुआ था, बताइएगा। पूछा है आपसे कि बताइएगा हर्षवर्धन जी का चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के साथ कब आपका युद्ध हुआ था, आंसर दीजिए। तो लिख लेंगे सभी बच्चे यहां पर, भाई नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, ये लिख लीजिएगा। और इसमें कौन जीता था, तो पुलकेशिन द्वितीय की इसमें जीत हुई थी 634-635 ईस्वी में, बी जो आएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इनका जो है युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। तो लिख लेंगे आप लोग। पूछा है आपसे कि शाहकुली खान ने नानोल के प्रसिद्ध जल महल का निर्माण, बताइएगा कब करवाया था। पूछा है आपसे कि शाहकुली खान ने जल महल का निर्माण कब करवाया था, उत्तर दीजिए। तो आंसर देंगे आप लोग, क्या आंसर आ जाएगा आपका, उत्तर दीजिए सभी बच्चे, आंसर देंगे क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। तो लिख लीजिएगा 1591 में, 1591 में शाहकुली खान ने नानोल के प्रसिद्ध जल महल का निर्माण कराया था, ठीक है बच्चे, कब कराया था आपके, 1591 में करवाया गया था, लिख लीजिएगा 1591 में। सारे बच्चे बढ़िया से लिखेंगे 1591, बातें ही बहुत ज्यादा करते हो। हरियाणा के सैनिकों और जनता के लिए वास्तविक शक्ति का प्रतीक कौन था, बताएंगे आप लोग, ठीक है भाई। पूछा है आपसे कि हरियाणा के सैनिकों के लिए वास्तविक शक्ति का प्रतीक कौन था, उत्तर दीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर मुगल शासक और दिल्ली का सिंहासन, तो आंसर आ जाएगा आपका ये दोनों, दोनों जो होगा आपका राइट आंसर आएगा, लिखिएगा। सूरज कुंड किस आकार का बना हुआ है, आपको बताना है कि सूरज कुंड जो है आपका किस प्रकार का है, उत्तर दीजिएगा। तो आंसर देंगे आप लोग, तो याद रखिएगा नाम ही है आपका सूरज कुंड, तो सूरज कुंड जो आपका बना हुआ है वो सूर्य के आकार का बना हुआ है, किस आकार का बच्चा, सूर्य के आकार का है आपका सूरज कुंड। तो लिखेंगे आप लोग क्या आंसर आएगा यहाँ पर, सूर्य आंसर आएगा, लिख लीजिएगा क्या आंसर आ जाएगा, सूर्य आपका आंसर आ जाएगा, लिखेंगे आप लोग। हरियाणा प्रदेश में कौन से जिले में शीशम, कीकर, सफेदा, नीम, झाड़, आम के वृक्ष
बहुतायात में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि ये पेड़ जो है आपको कहाँ पर अधिक मात्रा में मिलेंगे, किस जिले में मिलेंगे। तो देखिएगा, सोनीपत में, जींद में, पानीपत में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बच्चे, यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, जींद जिला। कौन से जिले में मिलेंगे आपको, जींद जिले में मिलेंगे, लिख लीजिएगा। पूछा है आपसे झालरा, क्या होता है भाई, आपका एक आभूषण होता है झालरा, ठीक है भाई। झालरा आभूषण जो है आपका किस अंग पर पहना जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा ये किसके द्वारा पहना जाता है, तो आप क्या आंसर देंगे, झालरा किसके द्वारा पहना जाता है, बताइएगा आप लोग। झालरा कौन पहनती है, महिला या पुरुष, महिला पहनती है झालरा या फिर आपके पुरुष पहनते हैं, उत्तर दीजिए। पर हद बच्चे हो, मतलब 600 तुम्हें ज्यादा लगता है, एक बार आप लोग मन से सेशन को शेयर नहीं कर सकते, तो एक बार कोई चीज बोलते हो आपके लिए तुरंत कर दी जाती है, तुरंत कर दी जाती है। क्वेश्चन के लेवल में कमी हो तो वो बताओ, लेकिन एक सपोर्ट के नाम पे जीरो हो आप लोग, जीरो जिसे कहते हैं जीरो सपोर्ट करना, ठीक है। इसीलिए फिर आप कहते हो कि हमारे लिए ऐसे नहीं वैसे नहीं मैम, तो कम से कम आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि आप भी सेशन को शेयर करें। बिल्कुल भी नहीं करते हो, वही घिसे पिटे क्वेश्चन ले आऊंगी वो तुम्हें अच्छे लगेंगे, है ना, घिसे पिटे जो सब कराते हैं वो तुम्हें अच्छे लगेंगे, फिर तुम कहोगे कि हाँ मैम अच्छे क्वेश्चन थे क्योंकि हमें आते थे। बताओ, वैसे क्वेश्चन कराऊं फिर तुम खुशी खुशी पढ़ भी लोगे, तो उसमें खुश भी हो जाते हो। अब क्वेश्चन गलत हो रहे तो मेरे ऊपर पूरे उसकी फ्रस्ट्रेशन निकालते हो, है। तो ऐसे नहीं होती है, दोनों तरफ से चीजें की जाती है, आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए भाई, है, इतने बढ़िया बढ़िया चीजें, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते सेशन को शेयर, बिल्कुल कर सकते हो। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे क्या आंसर आएगा, गले में पहनने का लंबा हार होता है, क्या होता है आपका, गले में पहनने का लंबा हार होता है, लिख लीजिएगा क्या होता है आपका, झालरा। तो कौन पहनती है, आपकी महिलाएं पहनती है। पूछा है आपसे, एक लंबा पटकानुमा गरम कपड़ा जो कि गर्दन में बांधा जाता है उसे क्या कहा जाता है, बताइएगा, बताएंगे आप लोग इसे क्या कहा जाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो आपका, गले में बांधा जाता है, इसे गुलबंद कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, गुलबंद कहते हैं। तो लिखेंगे क्या आंसर आ जाएगा आपका, गुलबंद आ जाएगा, लिख लीजिएगा क्या आ जाएगा बच्चे, गुलबंद। पूछे आपसे बताइएगा, बाबा गरीब दास का मेला, कौन सा मेला बच्चा, बाबा गरीब दास का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है, उत्तर दीजिए। सभी बच्चे आंसर देंगे कि बाबा गरीब दास का मेला किस जिले में लगता है, उत्तर दीजिएगा, बताइएगा आप लोग क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। फटाफट से बताएंगे आप लोग क्या आंसर आ जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका भाई, तो लिख लीजिएगा सभी बच्चे, झज्जर जिले में लगता है, कहां पर लगता है, झज्जर। गरीब दास जी का संबंध कहां से है आपका, छुड़ानी झज्जर से है, कहां से है आपका, छुड़ानी झज्जर से। पूछा है आपसे कि वामन जयंती कब मनाई जाती है, कल हमने एक वामन द्वादशी का मेला पढ़ा था, आज आपसे वामन जयंती पूछी है, तो याद रखिएगा भाद्रपद शुक्ल द्वादशी, डी जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा, भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को मनाया जाता है, लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चे, लिख लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, परमानंद पंत के द्वारा मेले का आयोजन किसके याद में किया जाता है, जो परमानंद पंत है आपका वो मेले का आयोजन करता है। आपसे पूछा है कि बताइएगा, पीडीएफ तब मिलेगी तब यहाँ पे 600 प्लस बच्चे आ जाएंगे, 600 प्लस कर दीजिए, पीडीएफ दे दूंगी क्लास की 100%। हरियाणा एग्जाम्स फॉर एग्जामपुर टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, लेकिन उसके लिए यू हैव टू शेयर दिस सेशन एज मच एज यू कैन, जो तुम करते नहीं हो, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, तो बच्चे यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा परमानंद, परमानंद की याद में लिख लीजिएगा। रेड बिशप पर्यटन स्थल, पूछा है आपसे बताइएगा, शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी, आंसर देंगे आप लोग, तो नोट कीजिएगा बच्चे, 1993 में शुरुआत हुई थी आपकी, कब हुई थी भाई, 1993 में पंचकुला जिले से शुरुआत हुई थी, कहां से आपके पंचकुला जिले में, लिख लेंगे आप लोग। पहले विश्व युद्ध में हरियाणा के जींद जिले से
कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था? अभी अभी मैंने आपको लिखवाया था दूसरे विश्व युद्ध में, अब आप लिख लेंगे पहले विश्व युद्ध में कितने सैनिकों ने आपका हिस्सा लिया था, उत्तर दीजिएगा। बताएंगे आप लोग क्या आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। पहले विश्व युद्ध में कुल आपके कितने सैनिक थे ये बताइएगा। तो देखिएगा 7238, 4553, 22144 या फिर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 15461। बताइए क्या आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो कौन से जिले से पूछा है आपसे? जींद जिले से। तो लिखेंगे आप लोग 7238, कितने सैनिक थे आपके? जींद जिले से थे बच्चे, 7238 सैनिक थे, लिख लीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा बताइएगा आपके जो है कुल कितने सैनिक थे, तो याद रखेंगे आप लोग कुल आपके जो सैनिक थे वो थे आपके 77138। कितने थे बच्चे? 77138 थे पहले विश्व युद्ध में, और दूसरे में कितने बताए थे मैंने आपको? 124703, लिख लीजिएगा 124703। ये कौन से में थे भाई? आपके दूसरे में थे। ठीक है बच्चे, तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। कुल आपको बताया गया, कुल बताया मैंने कि कुल कितने कितने थे, लिख लीजिएगा इनको। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन, ये जो सारी चीजें आपको कराई जाएंगी डिटेल में थ्योरी में, कहां पर कराई जाएंगी आपको? किसान बैच में कराई जाएंगी। तो सभी बच्चे किसान बैच के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास है एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी 45% डिस्काउंट। तो भारत 45 कोड का यूज कीजिए और जुड़ जाइए किसान बैच के साथ। शानदार तरीके से आपकी क्लासेस चल रही है, डेली आपकी क्लास होती है, एक पूरा शेड्यूल है उसके तहत आपकी क्लास चलती है और एकदम मजेदार क्लास होती है आपकी। आंसर दीजिएगा, हरियाणा सरकार ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कौन सी योजना लागू की हुई है? बताएंगे आप लोग कौन सी योजना जो है आपकी लागू की गई है, उत्तर दीजिए। सभी बच्चों का आंसर आए यहाँ पर, क्या आएगा भाई आपका राइट आंसर? तो लिख लेंगे आप लोग अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सहायता, ये जो योजना है आपकी लगाई गई है, लिख लीजिएगा। क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पर? डी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लिख लेंगे आप लोग। क्या आंसर आ जाएगा आपका? डी आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चे, बताइएगा आर्य वैदिक सभ्यता का प्रसार हुआ था किस समय पर हुआ था, ये आपसे पूछा है, बताएंगे आप लोग आर्य वैदिक सभ्यता का प्रसार किस समय पर हुआ था, उत्तर दीजिएगा। तो लिखेंगे बच्चे 1500 से 500 बीसी पूर्व। ठीक है बच्चे, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लेंगे आप लोग। क्या आंसर आ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चे, पूछा है आपसे बताइएगा दिल्ली का आखिरी हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य कब बना था, पूछा है आपसे बताइएगा ये कब जो है आपके शासक बने थे, ये आपसे पूछा है। तो आपको पढ़ाया था मैंने कल ही पढ़ाया था किसान बैच की क्लास में, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अब सभी बच्चे पहले यहाँ पे आंसर दीजिए क्या आंसर आएगा, फिर हम बताते हैं क्या है आपका राइट आंसर। सभी बच्चे आंसर देंगे क्या होगा आपका आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा। फीस कैसे करवानी है अभी बताऊंगी आपको कुलवंत जी, अभी बताती हूँ, रुकिएगा। बी कह रहे हैं बच्चे, बहुत ही सुंदर। क्या आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर? 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। 7 अक्टूबर 1556 आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। पूछा है आपसे हरियाणा में न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले, तो ये मैं आपको करा चुकी हूँ अभी अभी, इसका आंसर दीजिएगा कि जेसी शाह आयोग में कुल कितने सदस्य थे, बताएंगे आप लोग। जो आपका जेसी शाह आयोग का गठन किया गया था, पूछा है आपसे बताइएगा कि जेसी शाह आयोग में कुल कितने सदस्य थे। तो ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं परसों वाली क्लास में, तो बढ़िया से आंसर देंगे, क्या आंसर हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो लिखेंगे बच्चे जेसी शाह आयोग में आपके कुल बच्चे 3 सदस्य थे, कितने थे आपके? 3 थे, लिख लीजिएगा। पूछा आपसे पंडित भगवत दयाल शर्मा जी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, उत्तर दीजिए। आंसर देंगे आप लोग पंडित भगवत दयाल शर्मा जी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो लिख लीजिएगा आप लोग। इनका जो संबंध है बच्चे झज्जर जिले से है, कहां से है आपके? झज्जर जिले से है, लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे आप लोग? जिला आपका झज्जर, बताइएगा। बसुंतर नगर किस जिले के उत्तर पूर्व में बसा हुआ है, बताएंगे आप लोग। बसुंतर नगर जो है आपके
किस जिले के उत्तर पूर्व में बसा हुआ है, उत्तर दीजिए। सभी बच्चों का आंसर आएगा, क्या आएगा भाई आपका राइट आंसर, तो लिख लीजिएगा ये आपके यमुनानगर कहां पर आ जाएगा बच्चे, यमुनानगर में आ जाएगा, लिख लीजिएगा। बताइएगा रणवीर सिंह हुड्डा को सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए कब जो है आपका गिरफ्तार किया गया था। सभी बच्चे आंसर देंगे कब इन्हें गिरफ्तार किया गया था, आंसर दीजिए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए यहाँ पर, फटाफट से आंसर दीजिए भाई, क्या होगा आपका सही उत्तर, सभी का आंसर आए सभी बच्चों का, ठीक है भाई। और आप लोगों के लिए लिख लीजिएगा कल दोपहर 2 बजे, कल दोपहर 2 बजे आप सभी के लिए शानदार सेशन आने वाला मैथ्स का। देखिए क्लासेस तो बहुत सारी होती है, लेकिन जब आपकी अरिथमेटिक और एडवांस का कॉम्बिनेशन बन जाए तो फिर क्या होता है आपका, फिर आपका रण होता है रण। तो कल आपका मैथ्स का रण होगा दोपहर 2 बजे से, तो सभी बच्चे जरूर आएंगे मैथ्स की क्लास में कल दोपहर 2 बजे से, शानदार आपका सेशन होने वाला है, बहुत ही शानदार। और यहाँ पे क्या आंसर है आपका, 1941, क्या आंसर है, 1941 इज द राइट आंसर, सबका गलत है, ठीक है, सबका गलत आ रहा है, सब गलत कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं, सब यहाँ पे गलत आंसर दे रहे हैं, है ना। और एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी भी कराया था, तो आप इसका आंसर दे दीजिएगा कि सितारा ए पंजाब किसे कहा गया है, उत्तर दीजिए। आंसर देंगे आप लोग सितारा ए पंजाब के नाम से कौन आपके जाने जाते पहलवान अशोक कुमार गर्ग, इन्हें ये उपाधि कब दी गई थी ये आपको बताना है। तो आंसर दीजिएगा आप लोग कब जो है इन्हें ये टाइटल आपका दिया गया था। सभी बच्चे हमारे आंसर देंगे, सभी बच्चे क्या देंगे भाई, आंसर देंगे, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल, अरे सही आंसर है, एक बार पढ़ के आना ढंग से, बिना तुम पढ़े वो हो जाते हो हाइपर। यहाँ पे आंसर है 1991, ठीक है। देखिएगा जैनेन्द्र जैन गुरुकुल किसने बनवाया था और कहाँ पर बनवाया था ये बताइएगा। जैनेन्द्र जैन गुरुकुल किसने बनवाया था, कहाँ पर बनवाया था, आंसर देंगे आप लोग राधे राधे अभी। बिल्कुल किसने बनवाया था और कहाँ पर बनवाया था बताइए एक बार, सभी बच्चे बताएंगे किसने बनवाया था और आपके कहाँ पर बनवाया था, उत्तर दीजिए जल्दी से बताइएगा किसने बनवाया था और आपके कहाँ पर बनवाया था, फटाफट से बताएंगे बच्चे, तो जल्दी जल्दी से बताने का कष्ट कीजिए, क्या होगा आपका यहाँ पर सही उत्तर, किसने बनवाया था और कहाँ पर, जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइए। 1968, क्या 1968, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका, आचार्य कृष्णचंद्र जी आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, आचार्य कृष्णचंद्र आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार सेशन आने वाला है भाई, ठीक है। एक क्या आपके कई सारे सेशन आएंगे, इंग्लिश के साथ आपका कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन वाली क्लास आने वाली है सुबह 8 बजे 29 जनवरी, ठीक है। सुबह 10 बजे जो है आपकी क्लास आने वाली सामान्य ज्ञान 200 का दम, शानदार सेशन आएगा। और फिर आपकी दोपहर 2 बजे साइंस की शानदार मैराथन क्लास आएगी 29 तारीख को, तो आप सभी इन सभी सेशन में जरूर जरूर आएंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि तीसरा यक्ष आपका कौन सा है, बताएंगे आप लोग यहाँ पर कि आपका तीसरा यक्ष कौन सा है, उत्तर दीजिए। सभी बच्चे बताएंगे कि तीसरा यक्ष जो है आपका कौन सा है, अभी मैंने आपसे चौथा यक्ष पूछा था तो वहां पे आपका क्या आंसर आया था, कुछ याद है तुम्हें, तो मैंने आपको बताया था तरंतुक यक्ष, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका, व्यू अरक्ष जो आपका अरंतुक आएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा डी आ जाएगा। तो चारों यक्ष मैंने आपको लिखवाए थे किसान बैच वाली क्लास में, सारे के सारे करवाए थे मैंने आपको, ठीक है बच्चे। दो साउंड किसकी आ गई, मैं तो एक ही हूं। जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी ने हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के 2 विद्यार्थियों को अवार्ड जो है आपके प्रदान किए हैं, उत्तर दीजिएगा, आंसर देंगे आप लोग किस यूनिवर्सिटी ने। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, कहाँ पर चाहिए बच्चे, कमेंट बॉक्स में चाहिए, तो आप इसे पढ़ करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और आप सभी के लिए भाई, आप सभी के लिए शानदार क्या है आपके पास, 45% डिस्काउंट है,
तो आप सभी बच्चे किसान बैच के साथ जुड़ जाइए। किसान बैच क्यों लेना चाहिए, ठीक है, क्यों लेना चाहिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये बताइए, जो आपके 30 क्वेश्चन रहते हैं, अभी 100 क्वेश्चन कराने थे, जो 30 रहते हैं वो आपको सुबह कराए जाएंगे 7 बजे वाली क्लास में, ठीक है। तो सुबह 7 बजे करंट अफेयर वाली क्लास में बाकी वाले क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे, तो आप सुबह वाले क्लास में आ जाइएगा, सुबह 7 बजे करंट अफेयर, ठीक है। बच्चे आपके कितने क्वेश्चन 70 में से ठीक हुए हैं ये बता दीजिए, 70 में से कितने सही है जल्दी से बताइए, 70 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए, नो चीटिंग, ईमानदारी से बताएंगे। और किसान बैच में आपको प्रॉपर तरीके से बच्चे थ्योरी कराई जा रही है, प्रॉपर तरीके से सारे आपके सब्जेक्ट इसमें आपके क्लियर कवर किए जाएंगे, ठीक है। एक प्रॉपर आपके पास में क्या है, शेड्यूल है, जिसके तहत आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन जैसे अभी मैं क्लास में कराती हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, तो सभी बच्चे जरूर आइए। काफी अच्छा जो है आपका बैच है, और आपका अच्छी बात यह है कि उसमें डिस्काउंट है आपके पास 45%। तो जिन भी बच्चों के ये 35 ठीक बता रहे हैं, सांप की बांगड़ी बेटा, आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, आप जुड़ जाइए किसान बैच के साथ। जिसके भी अगर मैं बोलूं 65 से कम ठीक है, तो वो सभी बच्चे आ जाएंगे किसान बैच में। आपको जरूरत है अच्छी तैयारी की, अगर नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा आपका नुकसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। ठीक है, 69 तो ठीक हो ही नहीं सकते, भूल जाओ, अगले जन्म में ठीक होंगे तुम्हारे 69। तो देखो, शानदार तैयारी के लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे आप इन क्वेश्चन के आंसर नहीं बता सकते कि ठीक है या गलत है, ठीक है बच्चे। तो बिल्कुल आइए आप लोग, जिसके भी 65 से कम है उनको अच्छे से तैयारी की जरूरत है, चिंता का विषय है आपके लिए। तो सभी बच्चे आएंगे शानदार तरीके से। किसान बैच में आपको 125 मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, 125 मॉक टेस्ट और 1000 क्वेश्चन हरियाणा जीके के, ठीक है भाई, हरियाणा जीके के 1000 क्वेश्चन। आपके डाउट सेशन भी हुआ करेंगे जूम के थ्रू जल्द ही, ठीक है बच्चे। तो शानदार तरीके से आपकी एक प्रॉपर तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। 45% डिस्काउंट के बाद आपको मात्र 824 रुपए में बैच मिल जाएगा, 824 रुपए में, ठीक है बच्चे। किस प्रकार से आपको बैच लेना है ये देख लीजिएगा। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, प्ले स्टोर में जाके लिखिएगा एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन, जहां से तुम लोग टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर डाउनलोड करते हो ना, वहीं से आप एग्जामपुर डाउनलोड करना। उस पर आप लोग रजिस्टर करोगे मेल आईडी से, फिर आप लॉगिन करोगे उसी मेल आईडी पासवर्ड से, तो वहां पे आपको किसान बैच का ऑप्शन मिलेगा स्लाइडर, आप उस पर क्लिक करिएगा, तो आप लोगों को कोड पूछेगा वो, तो आप उस पर भारत 45 ये जो कोड है आपका ये लगा दीजिएगा, तो आपको कितने में मिल जाएगा बैच, 824 रुपए में। अब इतना बड़ा ऑफर दिया है तो उम्मीद करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस ऑफर का लाभ उठाएंगे, है ना। तो जितने बच्चे हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस ऑफर का लाभ उठाइए और सेशन में जुड़ जाइए किसान बैच के। कोई भी दिक्कत आती है ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे कॉल कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है बच्चे। तो आपकी सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ठीक है। और 824 रुपए तो नहीं है तो फिर मैं सूरज जी क्या ही बोलूं, ठीक है, सूरज जाट सिरसा, फिर तुम तैयारी छोड़ दो, तुम आराम से अपनी गाय भैंस भेड़ बकरी चराओ, ठीक है, यही बोलूंगी मैं, ठीक है, यही करो फिर तुम, अगर ये भी नहीं है तो फिर यही करिए, ठीक है। अब मेरी बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सही बोल रही हूँ। अब यहाँ पर सुबह 7 बजे से कल से आपकी शुरुआत हो जाएगी, तो सभी बच्चे सुबह 7 बजे की क्लास में जरूर आएंगे, ठीक है भाई। सुबह 7 बजे से आपके करंट अफेयर की क्लास शुरू हो जाएगी, तो कल से जो है आपकी शुरू है, तो इस क्लास में सभी बच्चे जरूर आएंगे, डेली करंट अफेयर की क्लास होगी आपकी, तो आइएगा, बचे हुए क्वेश्चन उसी क्लास में आपको कराए जाएंगे, ठीक है, पक्का आपकी क्लास होगी, तो सभी जरूर आएंगे और इस सेशन को भी शेयर कर देंगे, ठीक है बच्चे। चलिएगा तो बताइएगा कमेंट करके, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना कि सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, आपने पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, और क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करो थोड़ा सा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप ही का चैनल है, आपके लिए ही बनाया गया, सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में, सुबह 7 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।